आज हम बना रहे हैं एप्पल बीटरूट स्मूदी। बहुत आसानी से बनता है, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए हमें ये बनाने के लिए, और एकदम हेल्दी होता है क्योंकि इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स फ्लेवर्स नहीं डाल रहे हैं। हम लेंगे एक एप्पल, एक बीटरूट और 2 केला। केले ऐसे पके हुए लेने हैं। बीट को हमने ऐसा छिलका निकाल के बारीक बारीक पीस कर दिया है। एप्पल को भी सेम उसी तरह से बारीक बारीक पीस करना है, और केले को हमें 4 से 6 घंटा फ्रीज़र में रखना है, तभी वो स्मूदी का टेक्सचर आता है और टेस्ट आता है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्सर में डालेंगे एक एक करके। ये डाल दिया, अभी हम डाल रहे हैं केला डाल रहे हैं। देखो ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये फ्रीजर में रखा हुआ है ना, इसके लिए इसमें हमें कुछ भी ना चाट मसाला डालना है, ना शक्कर डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है। और ये अभी हमने मिक्सर चला दिया, इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 सेकंड, क्योंकि फ्रीज़र से केले निकाले हुए हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 से 3 मिनट पहले निकाल के रखो। देखो अभी दिख रहा है ना कि वो हो गया, अंदर से थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा। और कलर कैसा ब्यूटीफुल दिख रहा है, ये कलर देखते ही हमें खाने का मन करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं डाले हैं, कुछ भी नहीं डाला है, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ ये स्मूदी है। आप घर में किसी को टेस्ट भी कराएंगे या कोई बाहर से आया होगा आप खिलाएंगे, तो वो बता नहीं पाएंगे कि आपने इसके अंदर में क्या ऐड किया है और क्या डाला है। और ऊपर से हम डाल देंगे उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, चिया सीड्स डाल रहे हैं और थोड़ा सा काजू से हम उसको सजा देंगे, तो ये और एनहांस होके आ जाता है और बनके हमारा स्मूदी तैयार है। आप डेली भी खा सकते हो, ये फीलिंग भी करता है और हेल्दी भी होता है, हमें कुछ हार्मफुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसका नेचुरल स्वीटनेस भी है, बीटरूट का भी टेस्ट है और एप्पल भी है। और ये सारी चीज़ें एक एक बाउल हमने ली है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। हमने जो एक बीटरूट का साइज़ लिया था उसमें एक ही बाउल बनता है, 2 केले में 1 बाउल होता है और 1 एप्पल में भी 1 बाउल होता है। तो ये हमारा बनके रेडी है एप्पल बीटरूट स्मूदी। आप ज़रूर इसे टेस्ट करिए, खाइए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा।